नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पिछले कुछ दिनों से पंजाब और हरियाणा की राजनीति किसानों को लेकर गरमाई हुई है। करनाल और पंजाब के मोगा में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले शनिवार को हरियाणा के करनाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस को किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा था। और वहीं वीरवार को पंजाब के मोगा में शिरोमणि अकाली दल की राजनीतिक रैली थी, जहां पर भी विरोध करने आए किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लेकिन इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग स्टैंड सामने आए हैं। करनाल की हरियाणा में जिस तरह से तस्वीरों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो करनाल में जब किसानों पर लाठीचार्ज हुआ तो मुख्य विपक्षी पार्टियों ने हरियाणा सरकार के ऊपर जमकर वार किया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो करनाल घटना पर ट्वीट तक कर दिया। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो इस मसले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इस्तीफा तक मांग लिया था। लेकिन वीरवार को जब पंजाब के मोगा में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, तो कांग्रेस के किसी भी राष्ट्रीय स्तर की और प्रदेश के नेता ने सरकार किस काम की आलोचना नहीं की। ऐसे में वहीं हरियाणा सरकार पर बरसने वाली संयुक्त किसान मोर्चा भी इस मसले पर चुप्पी साध कर बैठी हुई है और किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो गए हैं। नहीं मानता, क्योंकि यहाँ कोई डेथ कैजुअलिटी तो हुई नहीं थी। अब लाठी चार्ज हुआ था, ये ऑफिसर पे डिपेंड करता है। कोई और ऑफिसर होता तो इसे टाल भी सकता था। कई बार कुछ चीजें वो आपके हमारे हाथ नहीं होती, मौके पे घटना हो जाती है। पर इसके लिए हमें भी ये है कि भाई ये टलता तो ज्यादा बढ़िया था, पर जब किसान अति पे कर गए तो उनपे एक व्यथित मन से या कैसे करके पुलिस पे मौके पर एक ऑफिसर का एक्शन होता है, उसमें कुछ भी हो जाता है। उससे कुछ हम ये नहीं ले सकते कि वो स्टेट का फैसला था, वो तो घटना के मौके पे टाइमली कोई एक्शन होता है। देखिए, ऑफिसर जो इंचार्ज होगा वो कभी भी कुछ भी फैसला कर सकता है। घटना को जाए उसमें 20 सवाल बन जाते हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, उसकी आप उसकी पावर्स देख लें, डिफाइन करी होती है कि उस वक्त के फैसले अपने आप ले सकता है, इसमें कोई सवाल रहता ही। देखिए, ये सब करा धरा कांग्रेस का है, चाहे मोगा में हो रहा है, चाहे कहीं और हो रहा है, और ये सब उनका गेम प्लान है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए सारा उन्होंने किया। अगर करनाल में कानून व्यवस्था को रोकने के लिए सरकार भी काम करती है, फिर तो राहुल गांधी जी भी ट्वीट करते हैं। क्या मोगा उनके नक्शे में नहीं है? मोगा में इसलिए खामोश है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। मोगा में इतना भयंकर लाठीचार्ज हुआ और किसी का मुंह नहीं खुला, किसी की जबान नहीं खुली, किसी ने कोई बात नहीं की। लाठियां चली है, लोगों को पीटा गया, मारा गया लोगों को। कांग्रेस कैसे पीछे हट सकती है? सिर्फ अपनी सरकार है इसलिए उनको बचाना चाहते हैं। दो तीन सेक्शन में उन्होंने ऐड किया है, 10A है, 23 है और 31 है, 40 है। कुछ चार ऐसे प्रावधान किए हैं जो कि किसानों के विरोध में, जो मूल भावना 2013 के एक्ट को मतलब मूल भावना से छेड़छाड़ करते हैं। तो हमने राज्यपाल जी को लिखा मेमोरेंडम दिया है कि इसको राष्ट्रपति के पास असेंट के लिए ना भेजें, बल्कि वापस असेंबली भेजा जाए, ताकि ऐसी कोई किसानों के अहित की बात ना हो, उनका बड़ा भारी नुकसान हो। दूसरा, हमने जो करनाल में इंसिडेंस हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हैं उसके ऊपर और अलग अलग बयान भी आए हैं, ये भी हुआ है। तो उसके लिए भी हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप लोगों से भी न्यायिक जांच कराया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कौन दोषी है उसको सजा मिले। आज जो करनाल में हमारे अन्नदाताओं पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बार फिर अत्याचार किया गया, उसकी हम कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी अन्नदाता के साथ है। कांग्रेस के समय में कभी अन्नदाता के साथ ऐसा छल नहीं हुआ। आज करनाल में जो आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, इनका दमन चक्र, उसकी एक और मिसाल देखी गई, जो खुद ड्यूटी मैजिस्ट्रेट खड़े होकर ये कहें कि उनके सर फोड़ देना,
क्या ये एक लोकतंत्र में अच्छी मिसाल कायम करता है? और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जुड़ रहे हैं, INLD ओंकार सिंह और आप प्रवक्ता रिटायर्ड मेजर RPS मल्होत्रा, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल जितेंद्र जी आपसे, दोनों ही प्रदेशों में किसानों के ऊपर लाठी चार्ज देखा गया, दोनों ही प्रदेशों में अलग अलग सरकारें हैं। अगर हम बात करने हैं करनाल की, तो करनाल में जो लाठी चार्ज किया गया वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। अगर हम बात कर रहे हैं पंजाब की, तो उसको लेकर क्यों इतनी ज़्यादा शांति दिख रही है? क्या वहाँ के किसान महत्वपूर्ण नहीं है? क्या वहाँ के किसानों पर जो लाठी चार्ज किया गया उस पर नज़र नहीं डालनी चाहिए? देखिए कोमल जी, अगर दोनों जगह की तुलना की जाए, करनाल और मोगा पंजाब की तुलना की जाए, तो दोनों का मामला अलग है। करनाल के अंदर आपने देखा होगा जब लाठी चार्ज हुआ, एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM स्तर का अधिकारी, जिससे पब्लिक न्याय की उम्मीद करती है, बहुत ही संविधान में और हमारी संवैधानिक प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा योगदान होता है SDM जैसे अधिकारी का। उस कुर्सी पर बैठा अधिकारी, जिस तरीके से देश के मीडिया ने उनको दिखाया, किस तरीके से हरियाणा की डबल इंजन की सरकार, खट्टर और दुष्यंत की सरकार के तले कितना दबा हुआ है वो अधिकारी, और किस तरीके से क्रूरता भरे शब्दों में मानवता को शर्मसार करने वाली उनकी टिप्पणी पूरे मीडिया ने दिखाई, देश ने देखा उसको, कि पुलिस वालों को किस तरीके से, पुलिस कर्मियों को किस तरीके से बाध्य कर रहा था, और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो सरकार के कितना दबाव रहा होगा उस SDM के ऊपर, कि आपको लठ मारने, आपको सर फोड़ना है किसानों का। और मोगा पंजाब की बात की जाए, तो देखिए एक सामान्य प्रक्रिया होती है प्रशासन की, जब पब्लिक अपना विरोध जाहिर करती है, विरोध अभिव्यक्ति की आज़ादी देश का संविधान देता है, कानून देता है, लेकिन मोगा की घटना और इस घटना की हम तुलना करें तो सबके सामने है, स्पष्ट है, वो एक राजनीतिक घटना है। जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल और भाजपा जिस तरीके से इस पहले दिन से किसानों के आंदोलन को खराब करना चाह रही है, तो मोगा की घटना में ना तो किसी को कोई ऐसी चोटें आई हैं, और ना ही किसी अधिकारी ने, ना ही प्रशासन ने, और ना ही किसी तरीके से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई ऐसा बयान दिया था। सिर्फ एक हल्का पुलिस बल वहां पर उपयोग किया गया, अपितु अगर उसके विपरीत करनाल की घटना को देखा जाए तो किसानों पर बेरहमी से वहाँ पर लाठी चार्ज किया गया, मानवता को शर्मसार होना पड़ा। देश का लोकतंत्र, प्रजातंत्र, देश का संविधान और देश की आत्मा जो अन्नदाता है किसान, वो तीनों घायल हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों की अगर तुलना की जाए तो आप देख सकते हैं कि करनाल का जो मसला है वो किसानों पर क्रूरता भरा लाठी चार्ज था, इसीलिए संयुक्त मोर्चा सारी सच्चाई जानता है कि मोगा के अंदर, पंजाब के अंदर जहाँ आप किसानों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके की राजनीति सत्तारूढ़ जो सरकार है केंद्र की मोदी जी की, और श्रोमणि अकाली दल जो बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे हैं, गठबंधन में सरकारें भी चलाई हैं उन्होंने पंजाब के अंदर, तो किस तरीके की घटिया राजनीति कर रहे हैं। करनाल की घटना से इसकी तुलना नहीं की जाती, हम कड़े शब्दों में करनाल की घटना की हमारे नेता राहुल गांधी जी, अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, हुडा साहब, रणदीप जी, तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता करनाल की घटना की निंदा करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसानों के साथ। चलिए आप प्रवक्ता रिटायर्ड मेजर RPS मल्होत्रा जी की भी राय ले लेते हैं। RPS जी, जिस तरह से दोनों ही मामले सामने आए, आपने कांग्रेस प्रवक्ता जी की हम जो बातें कह रहे हैं वो बातें भी आपने सुन ली होंगी, और तमाम जो टिप्पणियां सामने आ रही हैं वो भी आपने सुन ली होंगी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी एक पार्टी की तरफ से ड्यूटी है कि अपनी पार्टी को डिफेंड करना, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, वो कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है वो लोगों के सामने है। जब से ये खेती कानूनों का मसला उठा है, भाजपा के साथ साथ कांग्रेस और अकाली दल, ये तीनों पार्टियां मिलके कॉरपोरेट घरानों के हाथ में पंजाब, हरियाणा और समस्त देश की जो खेती है वो देना चाहते हैं, और जो कुछ हरियाणा में हुआ और जो कुछ पंजाब में हुआ, जो किसानों पे लाठी चार्ज हुए, उस सब के पीछे एक ही मानसिकता है कि किसी ना किसी तरीके से किसानों का मनोबल तोड़ा जाए, किसानों के का जो ये आंदोलन चल रहा है इसको तोड़ा जाए और इसको खत्म किया जाए। सो एक ही मानसिकता चल रही है, और पिछले 10-15 साल से जो पंजाब में अकाली भाजपा और कांग्रेस का कुशासन रहा है, और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का सुशासन रहा है, उसको देखते हुए अभी पंजाब में
एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि हर कोई पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चाहता है, जिसकी पुष्टि आज एबीपी सी वोटर सर्वे के द्वारा जो है सभी अखबारों में कर दी गई है। सो इस सबको देखते हुए अब ये तीनों पार्टियां जो हैं माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं, और खासकर अकाली दल और भाजपा, क्योंकि इस सर्वे में भी दिखाया गया है कि पंजाब में इनकी बुरी तरीके से हार होने वाली है। सो अगर पंजाब का माहौल खराब होता है और यहाँ पे राष्ट्रपति राज्य रूल जो है वो लागू होता है, तो इसका सीधा सीधा फायदा अकाली और भाजपा को होगा। सो ये दोनों पार्टियां मिलके और इनके साथ कांग्रेस मिलके अभी चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि किसी तरीके से पंजाब में चुनाव को टाला जाए और यहाँ पे राष्ट्रपति राज जो है वो लागू किया जाए। एनएलडी प्रवक्ता ओंकार जी की भी बात सुन लेते हैं। ओंकार जी, आप क्या कहेंगे? जी पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, मंत्री जी बोल रहे हैं जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। कोमल जी आ रही है मेरी आवाज? जी मैं बोल रहा था कि मेरे पास फोटो नहीं आ रही है, जो भी मंत्री जी बयान दे रहे थे तो अनिल विज जी दे रहे थे क्या? जी अच्छा, कोमल जी मैं आना चाहूंगा कांग्रेस के दोहरे चरित्र पे आना चाहूंगा। कांग्रेस की नीति और नियत और देश बदलती बदल जाती है। आप देखिए पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव थे पंजाब में, हरियाणा के मंत्री सूर्यवाला जी पूर्व मंत्री जब पंजाब में थे तो इन्होंने बोला कि हम पंजाब की एक पानी भी किसी को नहीं देने देंगे। जब हरियाणा में आते हैं तो कहते हैं हमें एसवाईएल का पानी चाहिए। उनकी नीति और नियत प्रदेश बदलते बदल जाती है। आप जिस कृषि बिल की बात कर रही है, वो कृषि बिल का आधार किसने रखा? मुसुदा कांग्रेस ने बनाया, आपको पता होगा कि कांग्रेस ही बिल लेके आई थी। अगर कांग्रेस इस सांप को पैदा ही होने देती तो आज के सांप जनता को डसता ना। कांग्रेस ने ये बिल लेके आए, उसने बीजेपी ने विरोध किया, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, बीजेपी सत्ता में आई, अब बीजेपी ने बिल को लागू कर दिया और कांग्रेस का विरोध कर रही है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक ही थाली के चट्टे बच्चे कांग्रेस और बीजेपी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मंत्री अनिल विज जी का बयान मैं सुन रहा था, उनको करनाल, उनको मोगे का लाठीचार्ज तो नजर आया, तो करनाल का लाठीचार्ज नजर नहीं आया। तो पिटली में आंखें उनकी बंद हो गई थी, शायद उनकी शुगर की वजह से ना आंखें कमजोर हो गई थी, पिटली का लाठीचार्ज नहीं नजर आया उनको। ये लाठीचार्ज चाहे करनाल में हो, चाहे मोगे में हो, चाहे पिटली में हो, लाठियां तो हमारे किसान भाइयों पे लग रही है। और मैं अपने जितेंद्र त्रिवेदी जी की बात सुनता था, उसको ऐसे तरीके से सर्टिफाई करने की सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रही है पंजाब सरकार को, जैसे वहां पर लाठियां चलानी बहुत जरूरी कर रही है। तो कृपया ये तो बताए ऐसी कौन सी लाठियां चला दी। ठीक है, आ रही हूँ जितेंद्र जी आपके पास। हमेशा से ओंकार जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भारत भूषण जी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन ठीक है आ रही हूँ आपके पास ओंकार जी, यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जितेंद्र जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं उनसे जानेंगे और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता भारत भूषण जी की भी राय जानेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भारत भूषण जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार भारत भूषण जी की भी राय जान लेते हैं। भारत जी, जिस तरह से दोनों राज्यों से लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई, करनाल की तस्वीरों को लेकर अगर बात की जाए, तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र जी बैठे हुए हैं, उनका कहना कि एसडीएम जैसा व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति जब कहता है कि लाठीचार्ज किया जाए, सिर्फ उड़ो ये कहा जाए, तो बहुत बड़ी बात है। मोगा के लाठीचार्ज को लेकर कहा गया तो वहाँ पर उसको लेकर उनका कहना, उनके विचार अलग हैं। तो आपके अगर हम विचार जानने की कोशिश करें, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोमल जी, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना होता रहा है, लोकतांत्रिक अधिकार है। जहां तक करनाल की बात है, जितेंद्र जी का कांग्रेस प्रवक्ता का ये कहना कि एसडीएम का ये कहना गलत, बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी और स्वयं हमने भी कहा कि एक एसडीएम को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल अवांछित है, बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन ये भी आपने स्पष्ट देखा होगा कि जिस जगह पर ये बात कह रहे थे, वहां से तीन बैरिकेड पीछे जाकर के दस्तारा टोल प्लाजा था, जहां पर जो है लाठीचार्ज हुआ। और उसे लाठीचार्ज की घटना की जो पृष्ठभूमि है वो इस प्रकार से हुई कि जब वहां पर पुलिस ने प्रयास किया कि आपने अगर प्रदर्शन करना है तो वहां से मधुबन चौक काफी दूर तक है, आप यहाँ तक प्रशासन लेकर के प्रदर्शन आर्डर लेकर के धरना लेकर के जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे जहाँ पर कार्यक्रम का स्थल है वहां से नहीं जाना है। अब इस बात पर जब वे नहीं माने तो पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर कस्ती फावड़े से आक्रमण हुआ, पुलिस के
बाद उसके बाद बलि प्रयोग हुआ। लेकिन जो अगर मोगा में ये काम हुआ है, करनाल के दस्तारा पर जो गाड़ी चार्ज हुआ उसमें तो राहुल गांधी जी ने भी फेक जो पिक्चरें डाली व्हाट्सएप में मैसेज पे चले अपना इस पे यूट्यूब पे भी चले। और उसके बाद अगर मोगा मिल जाए तो उसके बाद कांग्रेस चुप है, बताएंगे अब कहा है। और आज के समय में जनरल डायर कौन है? उस समय पे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से, पंजाब के मुख्यमंत्री त्याग पत्र मांगे थे। अरे नैतिक व्यक्ति बात नैतिकता की बात करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो स्वयं त्याग पत्र देकर के उदाहरण सेट करें ना कि मेरे राज्य में भी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो मैं त्याग पत्र देता, पहल करके दिखा। अपने बारे में बात करें तो सफाई देंगे ना, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र जी की सुन लेते हैं, ठीक है उनका जवाब ले लेते हैं। आज तो कहते हैं जरूरी क्यों जाकर के पंजाब में जाम नहीं लगाते, क्यों चक्का जाम नहीं कर रहे, क्यों कांग्रेस के शासनकाल में जाकर के राज्य में जाकर के थानों का घेराव कर रहे? कोई बात होनी चाहिए। कोमल जी, पहले मैं हमारे आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं रिटायर्ड मेजर आरपीएस मल्होत्रा जी, उनकी बात पे आना चाहूंगा। जब पीपली का किसान देश के अंदर जब लाठी चार्ज होता है, वो छाप छोड़ के जाता है पीपली का किसान, हमारे नेता राहुल गांधी जी किसान बचाओ खेती बचाओ यात्रा करते हैं, हुड्डा साहब, शैलजा जी, रणदीप जी, तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता, पूरी कांग्रेस पार्टी विपक्ष का धर्म निभाते हुए देश के किसान के साथ खड़ी होकर कुरुक्षेत्र के अंदर जब किसान बचाओ खेती बचाओ यात्रा वहां पर करती है कांग्रेस पार्टी, तब कहीं भी केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आती, कहीं उनकी टिप्पणी नजर नहीं आती, क्योंकि संघीय विचारधारा है आम आदमी पार्टी की। और मैं INLD की प्रवक्ता साहब का मैं जवाब देना चाहूंगा, आपने तो सरकारें चलाई हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपका गठबंधन रहा है हरियाणा में, आपने सरकारें चलाई हैं और आपका तो इतिहास रहा, आपने तो गोलियां मारी हैं किसानों की छाती में, तो ये तो इतिहास रहा है, आपको खूब पता है हरियाणा के किसान विरोधी विचारधारा आप लोगों की रही है। और मोगा की और करनाल की तो हम तुलना नहीं कर सकते, वहां तो एक आपका अधिकारी आपके दबाव में कह रहा है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के जो बयान है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी पहले भी किसान के साथ थी, आज भी किसान के साथ है और आगे भी किसान के साथ रहेगी जब तक तीनों कृषि काले कानून रद्द नहीं हो जाते। आरपीएस जी, देखिए ये बात अभी स्पष्ट है कि किसानों के खिलाफ जो साजिश हो रही है वो साजिश कौन कर रहा है, ना केवल भाजपा कर रही है लेकिन इसमें कांग्रेस और अकाली दल ये तीनों शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी ने लाखों करोड़ों के ब्याज माफ करे हैं किसानों के, आप पीपली में चुप्पी क्यों साध गए थे? केजरीवाल जी पीपली में क्यों नहीं बोले थे? बोले हमारे हरियाणा में कहावत है छाछ तो बोले बोले छाननी भी बोले, इसमें बेहतर छे हरियाणा में कहावत है छाछ तो बोले बोले छाननी भी बोले, जिसमें बेहतर छे। आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, संघीय विचारधारा के लोग हैं आप, किसान मार दिया, मजदूर मार दिया, सभी को वक्त दीजिए, फाइनल कमेंट आप लोगों का हो गया है, ओंकार जी की भी सुन लेते हैं। जी ओंकार जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड। मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता भारती ने तो मान लिया कि मुख्यमंत्री जी ने SDM की गलती मानी, उसको सजा क्या दी? उसे ट्रांसफर अच्छी जगह कर दिए, सजा उसकी, उसको तो तुरंत निलंबित करना चाहिए और राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने का निवेदन करना चाहिए और उसके बाद 302 का पर्चा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि उनमें से एक किसान की मृत्यु होगी लाठी लगने पे। और मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों का चरित्र एक जैसा है, ये दोनों किसान विरोधी पार्टियां और आपने सरकार चलाई है भाजपा के साथ, चरित्र आपका जान विधानसभा में किया चलाचल संपत्ति के जो मामले चल रहे हैं वो भी प्रदेश की जनता जानती है। आपने भाजपा के साथ सरकारें चलाई है, भाजपा के साथ आपने सरकारें चलाई है, आपके चरित्र को, भाजपा के चरित्र को पूरे प्रदेश और देश की जनता जान रही है, भोग रही है, भुगत रही है। जितेंद्र जी भारत जी को बोले दीजिए, ठीक है भारत जी बोले। जितेंद्र जी, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के पर कहते हैं कि ये तो किसान विरोधी है, गोली चलाने वाली है, इन्हें लोग के लिए कह रहे थे, मैं आपको याद दिलाता हूँ 1998 में मध्य प्रदेश में कौन आपकी सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 24 किसानों को गोली मारी, शिवराज चौहान जी ने AK-47 से गोली चलाई है, शिव शर्मा काका जी मध्य प्रदेश में बहुत बड़े किसान नेता है, शिव शर्मा काका जी को आपने टारगेट करके 5 किसानों को मारा है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आतंकवादी नेता AK-47 चलवाई है आपने, बहुत शुक्रिया आप सभी का।
हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, सवाल कुछ जवाब कुछ, कोई सटीक जवाब शायद कभी मिल पाए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का शायद एक कर्म सा बन गया है कि विपक्षी को साधना है और अगर सही सवाल किया जाए तो उसका जवाब शायद घुमा फिरा कर दिया जाए। लेकिन जब दो प्रदेशों में लाठीचार्ज किया जाता है तो किसान, जिस तरह से किसानों पर ये लाठीचार्ज हुआ, वाकई में अन्नदाता है किसान, उन पर लाठीचार्ज होता है तो ये दर्दनाक है। और जब एक्शन लिया जाए तो दोनों पर ही सेम लेना चाहिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.